नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyairway.com के आज के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम दोबारा आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं देसी घी की शुद्धता के बारे में कि आप देसी घी की शुद्धता को कैसे परख सकते हैं अपने आप घर पे बैठे हुए। तो आजकल जो मैक्सिमम घी मिल रहा है मार्केट में वो नकली ही है, मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप खुद अपने घर पे घी तैयार नहीं करते हैं तब तक उसका कोई विश्वास नहीं होता है घी असली है नकली है। तो क्योंकि हर एक इंसान घर पे घी तैयार नहीं कर सकता है, मैक्सिमम लोग मार्केट से ही परचेज करके लाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मार्केट से आप घी लेकर के आते हैं उसको आप कैसे परख सकते हैं, उसका क्या तरीका है पता करने का। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें जो घी आपने टेस्ट करना है उसको एक बर्तन में ले लें और इसको उबाल लें। जब भी अच्छी तरह से उबल जाए तो इसको उतार दें और अब इस तरल घी को किसी बर्तन में डालकर ढककर 24 घंटे तक रख दें। 24 घंटे के बाद जब आप घी को देखेंगे तो वो दानेदार बन चुका होगा और खुशबू भी आ रही होगी, जो कि देसी घी की तरह काफ़ी अच्छी खुशबू होगी। खा के देखेंगे तो स्वाद से भी आपको पता रहेगा कि घी बिल्कुल शुद्ध है। ये शुद्ध देसी घी की पहचान है, चाहे वो देसी गाय या भैंस का हो। और यही प्रयोग जब आप मार्केट में मिलने वाले घी पर करेंगे, सेम प्रयोग, तो आप जब उसको ठंडा करेंगे तो पाएंगे घी का रंग बदल चुका होगा, दानेदार की जगह घी दिखने में अजीब सा हो जाएगा, खुशबू जा चुकी होगी और स्वाद भी डालडा घी के जैसा यानी वनस्पति घी के जैसा चखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप समझ जाएं कि आपका घी जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो मिलावटी है। और 5 ml पिघला हुआ घी ले लें, इसमें 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, एक चुटकी चीनी डालकर इसे 2 मिनट तक मिलाएं, घी का रंग गुलाबी हो जाएगा या लाल हो जाएगा तो ये मिलावट की पहचान है। और घी में शकरकंदी या आलू मिला होने पर जांच के लिए 5 बूंद घी टेस्ट ट्यूब में डाल लें, इसमें 1 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालें, घी का रंग नीला हो जाएगा, ये घी में स्टार्च की मिलावट को बताता है। इसे गर्म करने पर घी का रंग उड़ जाता है, ठंडा होने पर घी पुनः उसी रंग का बन जाता है। घी में दूध या दूध से तैयार सामग्री की मिलावट जांचने के लिए 1 चम्मच पिघले हुए घी में 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालकर हिलाएं, इसका रंग गुलाबी या केसरी हो जाएगा। ये घी में कोलतार डाई की मिलावट को बताता है और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी ये जांच की जा सकती है। तो दोस्तों बहुत ही इजी से तरीके हैं, आसान से तरीके हैं घी की शुद्धता को परखने के। तो आप भी अगर मार्केट से घी खरीद कर ला रहे हैं तो विश्वसनीयता को परखने के लिए आप ही ज़रूर ये टेस्ट ज़रूर करके देखें, ताकि आपको पता लग सके कि जो घी आप खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है। तो दोस्तों आप ये इन्फॉर्मेशन अपने मित्रजनों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और आप ये ज़रूर करके देखें और आपके जो भी फीडबैक कमेंट्स आदि हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।